What's up guys, welcome back to another vlog. So today I'm traveling to Pushkar. So we just connected this Manesar toll. Yahan se we have to travel almost 450 kilometers. So abhi to Google bol raha hai 6.5 hours, but I think abhi 7 baje hain, to 12 baje se pehle, to 12 ke 1 baje se pehle nahi pahunchne wale. So let's see how soon we'll reach. अभी सबसे पहले फ्यूल करना है, उसके बाद में then we will leave. So just got the fuel up done. तो टैंक हो गया है फुल. तो लेट मी चेक द रेंज, अब रेंज कितनी आ रही है. 356 किलोमीटर की रेंज है. तो वी हैव टू गो 450 किलोमीटर्स. तो एक बार पहुँचने से पहले थोड़ा सा फ्यूल अप कराना पड़ेगा. सो ट्रैफिक का अपडेट यह है कि वी जस्ट गेट टू नो, मतलब कल एक बंदा यहाँ से गया था, तो उसने ही जस्ट ड्रॉप अ मैसेज कि देर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रैफिक एंड ही स्टक फॉर 2 or 3 hours इन अ सिंगल पॉइंट. सो वी डिसाइडेड टू मूव अर्ली बिकॉज जल्दी निकलेंगे तो वी कैन बीट द ट्रैफिक. बट स्टिल अभी हो गया 6:30. तो 5:30 बजे नोएडा से निकले थे, थोड़ा 10 मिनट और लेट हो गए थे. सो आई थिंक हम ट्रैफिक को बीट कर देंगे. तो सुपर बाइक स्टिल अभी मुंबई एक्सप्रेस वे पर अलाउड नहीं है, तो वी नीड टू गो टू दी ओल्ड जयपुर एक्सप्रेस वे. वहाँ पर ट्रक्स तो यूजली चलते ही चलते हैं बिकॉज ट्रक्स मुंबई एक्सप्रेस वे अवॉइड करते हैं जयपुर जाने के लिए, बिकॉज वहाँ पर टोल ज़्यादा है. सो फार सो गुड, वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट कितना, मतलब मानेसर टोल तक हो गया होगा 60-70 किलोमीटर्स. तो स्टिल 400 किलोमीटर्स टू गो. We try to stretch in 6 hours. So 12:30 or 1, I think we will target to reach. Jaipur road naya bana hai, mast makan. आराम से यू आर क्रूजिंग एट 100-110. मज़ा आ रहा है सुबह सुबह राइड करने में. हल्की सी धूप निकली हुई है और स्मूथ रोड, पर थोड़े से ट्रक कम हो जाए तो मज़ा आ जाए. थोड़े से ट्रक हैं तो उससे प्रॉब्लम है, अदरवाइज रोड इज़ फंटेस्टिक. ऐसा लग रहा है अभी लेटेस्ट में बनी है. अदरवाइज लास्ट टाइम जब आया था तो रोड इज शिट, कम्प्लीटली शिट. अभी ऑलमोस्ट हम लोग आ गए 125 किलोमीटर्स. तो आफ्टर 30-40 किलोमीटर्स एक ओल्ड राव ढाबा है, तो वी जस्ट प्लान टू टेक अ हॉल्ट ओवर देयर. सो वी डिसाइड टू टेक अ हॉल्ट एट ओल्ड राव. यहाँ पे विल डू अवर ब्रेकफास्ट, उसके बाद देन वी विल लीव. सो वी जस्ट हैड अ ब्रेकफास्ट एंड जस्ट वी आर मूविंग बैक. सो लेट्स रश. सो फार वी कवर्ड 150 किलोमीटर्स, स्टिल वी हैव टू गो 300 किलोमीटर्स. और उसके बाद किशनगढ़ वगैरह में अलवर में जाम भी मिलने वाला है. सो लेट्स सी हाउ सून वी विल रीच. तो समीर ने बड़ा अच्छा काम किया अपनी डिस्क पे, ही जस्ट पुट ऑन WD-40, जिसकी वजह से है डिस्क थोड़ी सी ऑयली हो गई है एंड ब्रेक्स नहीं लग रहे हैं. बिकॉज तो दिस इज़ अ लेसन फॉर एवरीवन, अगर आप WD-40 मारते भी हो डिस्क पे फॉर रस्टिंग पर्पज़, तो इमीडिएटली उसको वॉश कर लो विद डिटर्जेंट एंड ऑल, अदरवाइज तो ब्रेक्स में प्रॉब्लम आएगी. सो नाउ वी हैव टू वॉश द एंटायर ब्रेक विद दिस सोप. बस अच्छा ब्यूटीफुल व्यू, दोनों तरफ हिल्स हैं और बीच में रोड है, थोड़ा बहुत टर्न्स हैं तो लीनिंग में ही मज़ा आ रहा है. 120 पे इजीली लीन कर रहे हैं. ये देखो दोनों खड़े, वो तो ठीक है, लेकिन ये क्यों खड़ा हो रहा है पता नहीं है. पावर फुट कंट्रोल में खड़ा हो रहा है. माय गॉड.
स्टॉप फॉर अ स्मॉल वाटर ब्रेक एट दिस चौधरी ढाबा. यहाँ से वी हैव टू गो एटलीस्ट 100 किलोमीटर. तो अभी टाइम हो गया 11:30, तो प्रोबेबली बाय 1 o'clock वी विल रीच. थोड़ा रुकते हुए जाएंगे. सुबह इतनी ठंड थी और अभी एकदम से इतनी गर्मी हो गई है तो बड़ा मुश्किल हो गया है. सो लेट्स रोल अनदर 1 hour टू गो. 100 नहीं होगा, 100 से तो खैर कम ही होगा, बट स्टिल लेट्स गो. आवर होटल इज अबाउट कितना 40 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर, बट वी डिसाइडेड टू टेक अ स्टॉप. थोड़ा पानी वानी पीते हैं और फिर चलते हैं. बाकी वरुण ने कुछ खाया नहीं तो ही विल हैव समथिंग फ्रॉम दिस बीके. मतलब जस्ट टेक अ डाइवर्जन फ्रॉम दिस कृष्णगढ़ अजमेर रोड. वी ऑलमोस्ट देयर. अजमेर पहुँच ही गए थे. अजमेर से जस्ट 4-5 किलोमीटर पहले दिस इज इट इज़ द कट और डायरेक्टली गोज टू पुष्कर. तो बड़ा वैसे सुनसान सा रास्ता है बट इट्स गुड. मतलब छोटे मोटे हम्स हैं बट स्टिल इट्स मैनेजेबल ऑन अ हार्ली. सो फार सो गुड. वी आर ऑलमोस्ट ऑन आवर टाइम. ऑल्दो पीछे रुक गए थे हम लोग जस्ट टू हैव समथिंग. तो अपने टारगेटेड टाइम से वी आर ऑलमोस्ट 1 hour लेट, बट ठीक है. सो फार वी हमने एंजॉय करके 3-4 ब्रेक्स लिए. अगर उसमें से एक ब्रेक भी कम कर देते हैं तो वी कैन बैंग ऑन आवर दिस ना. मतलब जो भी पहुँचने का टाइम था. चलो कोई नहीं, पहुँच जाएंगे. अब एक काम रह गया है, रास्ते से बियर उठानी है. तो थोड़ी थोड़ी हिल्स दिख रही हैं, छोटी छोटी हिल्स. इज और मतलब मार्बल हिल्स बोलोगे या फिर पत्थर वाले पहाड़. ड्यून्स, छोटे छोटे ड्यून्स हैं. स्मॉल ड्यून्स. लुक एट दीस, दे ऑल आर ड्यून्स. हिल्स, ड्यून्स, लैंड सब है यहाँ पे है. अब जाएंगे तो छोटा सा लेक भी है वो. सो वी फाइनली हिट पुष्कर. ओह शिट, लग गए नीचे. तो होटल इज अबाउट 2 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर. वी हिट द होटल प्लेस. प्लेस सीम्स प्रॉमिसिंग. हाँ बढ़िया. ओनली थिंग इज पार्किंग मिल जाए बाइक की अच्छी, बाकी सब तो देखा जाएगा. नमस्ते इंडिया, नमस्ते. वी आर हेडिंग टू दी योर सनसेट पॉइंट. वहाँ से सनसेट काफ़ी अच्छा है जैसा ये लोग बोल रहे हैं. इट्स अबाउट 2 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर. सो लेट्स सी हाउ इट लुक्स. एंड वहाँ कॉफ़ी वॉफी पीते हैं फिर वापस रेस्टोरेंट आते हैं. देन विल सिट एंड चिट चैट अगेन. फ्यूल भी डलाना है. आई डोंट नो व्हाई इंजन चेक की भी लाइट आ गई. शिट, ये क्यों आ गई अब. Just roaming inside the city of Pushkar and CL is too much crowded. मतलब उसको यहाँ पे आके फील आ गई जैसे चांदनी चौक आए हो. खैर चांदनी चौक में थोड़ी गंदगी ज़्यादा होती है. इट इज़ बिट क्लीन, द प्लेस इज बिट क्लीन, दैट इज श्योर.
It's a nice place. मार्केट में घूमने के बाद फाइनली वी आर गोइंग बैक टू दी होटल दैट वी विल हैव अ डिनर. उसके बाद में आराम से सोएंगे. उसके बाद कल देखते हैं कल क्या क्या जगह कवर करते हैं विद इन दी पुष्कर और अजमेर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज व्हाट आई नोटिस कि 90% ऑफ द पॉपुलेशन हु वॉच माई वीडियो डोंट सब्सक्राइब टू द चैनल. तो दोस्तों सब्सक्राइब करो एंड कीप शेयरिंग द वीडियो एज मच एज यू कैन.